Good morning to all of you. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आजकल हम लोग वीडियो अपलोड के माध्यम से या पीपीटी ई लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ई लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग फैमिली लॉ फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर एलएलबी प्रथम वर्ष के विषय फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के विषय में समराइज करके बताने की कोशिश की थी। लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने नेचर ऑफ हिंदू मैरिज बिफोर द एक्ट एंड अंडर द एक्ट, अर्थात विवाह की प्रकृति, विवाह संस्कार में है या संविदात्मक, टॉपिक पर लेक्चर दिया था। आज हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें को यहाँ पर पढ़ेंगे। सेक्शन 5 कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज, अर्थात धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें। ए मैरिज मे बी सोलेमनाइज बिटवीन एनी हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। फर्स्ट, नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, एंड द सेकेंड इज एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी सब क्लोज ए इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सब क्लोज बी, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children, or subclause C, has been subject to recurrent attacks of insanity, or clause 3, the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride age 18 years at the time of marriage. Clause 4th, the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. And last, clause 5th, the parties are not suppindaj of each other unless the custom of usage governing each of them permits of a marriage between the two. अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों के बारे में उल्लेख करती है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 5 में या धारा 5 में 5 क्लोज हैं, जिन्हें हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। दो हिंदुओं के बीच विवाह तब अनुष्ठापित किया समझा जाएगा, जबकि धारा 5 का क्लोज फर्स्ट कहता है कि किसी पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं हो, अर्थात नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकंड क्लोज, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के कारण या चित्त विकृति के कारण विधिमान्य कंसेंट देने में लॉफुल कंसेंट देने में असमर्थ ना हो। सब क्लोज बी, कि यदि वह विधिमान्य कंसेंट देने में समर्थ होने पर भी इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह और संतोत्पत्ति के अयोग्य हो। सब क्लोज सी, उसे पागलपन के दौरे ना पड़ते, has been subject to recurrent attacks of insanity।
एंड क्लोज थर्ड, धारा पांच का थर्ड भाग है आयु के बारे में उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है कि वर ने 21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो। इसी तरह क्लॉज फोर कहता है कि जब तक दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली विधि या रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच जिनके बीच विवाह किया जाना है दोनों पक्ष का एक दूसरे की प्रतिष्ठित नातेदारी में नहीं आते हैं। इसी तरह लास्ट क्लोज फाइव जो है उपधारा पांच कहती है, पांच की उपधारा पांच की दोनों पक्षकारों में से जो भी विधि शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा है उन दोनों के बीच जिनके बाद विवाह किया जाना है अनुष्ठित किया जाना है दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंडा नहीं होने चाहिए। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि धारा पांच के अंतर्गत पांच उपधाराएं हैं जिनके बारे में विवाह की शर्तों की शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें हम विस्तृत रूप से पढ़ें। सेक्शन 5 के सब क्लोज फर्स्ट कहता है या उपधारा एक कहती है मोनोगेमी और सिंगल मैरिज, अर्थात विवाह के समय किसी पक्षकार के पति या पत्नी जीवित ना हो। अर्थात 1955, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सबको बताया कि 1955 से पूर्व पॉलीगेमी का प्रचलन था। जब चेंजेस बताए कि 1955 के अधिनियम से मैरिज में क्या क्या चेंजेस या परिवर्तन लाए गए, तब बताया था कि 1955 से पॉलीगेमी मैरिज का प्रचलन यहाँ पे था, बट 1955 के पश्चात से मोनोगेमी अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई, अर्थात एकल विवाह, एक विवाह। सेक्शन 5 इसकी व्याख्या करता है कि यहाँ पे मोनोगेमी से तात्पर्य है कि जब विवाह हो रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि जब विवाह हो रहा है उस समय उन दोनों पक्षकारों के, अर्थात अगर मेल है तो उसकी कोई जीवित वाइफ नहीं होनी चाहिए और फीमेल है तो उसकी जीवित पति नहीं होना चाहिए, अर्थात वो पहले से ही उनका विवाह हो चुका नहीं होना चाहिए, वो विवाहित नहीं होने चाहिए। यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 में इसे पनिशेबल बताया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में की धारा 17 ये कहती है कि अगर पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code shall apply accordingly. अर्थात धारा 17 बाइगेमी को या किसी व्यक्ति के एक किसी पक्षकार के पति या पत्नी जीवित होने पर अगर वो दूसरा विवाह करते हैं तो दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित विवाह के समय अगर कोई जीवित पति या पत्नी है तो ये कहती है कि वो विवाह शून्य होगा, वॉइड होगा, विवाह विवाह ही नहीं होगा, अर्थात द्विविवाह के लिए पनिशमेंट। और साथ ही ये कहती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबंध उन पे लागू होंगे। सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, अर्थात कोई भी पक्षकार केवल और केवल एक विवाह कर सकते हैं, दूसरे विवाह की इजाजत नहीं है। यहाँ पर एक विवाह से तात्पर्य है कि दोनों पक्षकारों का विवाह के समय जब उनकी मैरिज हो रही है उनके जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। दी विवाह के अंतर्गत अर्थात बाइगेमी के अंतर्गत पॉलीगेमी और पॉलिएंड्री दोनों ही इंक्लूड है, अर्थात
पॉलीगेमी मतलब कि अगर एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रखता है। पॉलीएंट्री मीन्स कि एक स्त्री एक से अधिक हस्बैंड अगर रखती है तो, अर्थात द्विविवाह, पॉलीगेमी एंड पॉलीएंट्री दोनों ही यहाँ पर मान्य नहीं है। द्विविवाह हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 11 धारा 11 के अंतर्गत वॉइड डिक्लेयर किया गया है। बट द्विविवाह का अपराध कब घटित होगा, हम कब कहेंगे कि ये सेकंड मैरिज है या बाइगेमी है? ऐसा तभी हो पाएगा जबकि मैरिज करते समय उस पक्षकार के पति या पत्नी जीवित हों, और अगर वो जीवित हैं और पहला विवाह अगर मान्य विवाह ही नहीं है तो जो सेकंड मैरिज या अब जो विवाह हो रहा है वो विवाह प्रथम विवाह ही माना जाएगा। अर्थात प्रथम विवाह द्विविवाह का अपराध तभी बनेगा जबकि पहला मैरिज जो है उसकी वैध हो। वैध कब होगी, आगे के सेक्शंस में सेक्शन 7 में आप सेरेमनीज पढ़ेंगे, अगर वो सब फुलफिल करके सारी कंडीशंस पूरी करके अगर उन्होंने मैरिज की है तो फिर अगर वो दोबारा करते हैं तो वो द्विविवाह के अपराधी होंगे। अर्थात द्विविवाह का अपराध तभी बनता है जबकि विवाह के समस्त अनुष्ठान पूर्ण रूप से पहले ही पूर्ण कर लिए गए हों, क्योंकि 1955 से पूर्व ही एक हिंदू कितनी ही वाइफ रख सकता था, बट 1955 के पश्चात से केवल और केवल मोनोगेमी ही होगी। एक केस के माध्यम से इसे समझिए, यमुनाबाई अनंत राव वर्सेस अनंत राव शिवाराम अधवन, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 644। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि कोई विवाह नल और वॉइड हो आता है अगर वह सेक्शन 5 के क्लोज 1 के उल्लंघन करता है तो, बट वो मैरिज प्रूफ होनी चाहिए कि मैरिज मैरिज थी, और धारा शून्य विवाह की पत्नी जो होगी वो मेंटेनेंस का दावा भी नहीं कर सकती 125 CRPC के अंतर्गत। अर्थात विवाह का कोई पक्षकार यदि सेकंड मैरिज कर लेता है तो विवाह शून्य होगा, और द्विविवाह करने वाले व्यक्ति की पत्नी दूसरी पत्नी वॉइडेबल की याचिका न्यायालय में प्रेषित कर सकती है। इसी तरह एक और केस वरद राजन वर्सेस स्टेट 1965 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सेकंड मैरिज या द्विविवाह शून्य होगा, अगर कोई व्यक्ति विवाह की संविदा भी करता है तो भी, या जब विवाह कर रहे हैं उस समय उसकी वाइफ का अस्तित्व है तो वो दूसरी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, द्विविवाह का अपराध कारित हो जाएगा। एक बहुत फेमस सा केस है डॉक्टर डीएन मुखर्जी वर्सेस स्टेट AIR 1969 अलाहाबाद 489। इस वाद में डॉक्टर मुखर्जी ने एक के बाद एक इस केस में डॉक्टर मुखर्जी को द्विविवाह के अभियोजन में अभियोजित किया गया। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना दूसरा विवाह मैरिज की सेरेमनी संपन्न करके किया, और एक सेरेमनी नहीं, उन्होंने 3 सेरेमनी संपन्न की। तीनों सेरेमनीज बट ऐसी थी कि वो ना तो फीमेल के यहाँ उनका प्रचलन था और ना डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ वो प्रचलित थी। पहली सेरेमनी उन्होंने चंद्रमा का अनुष्ठान किया, दूसरी सेरेमनी में उन्होंने काली माँ के मंदिर में एक दूसरे के गले में मालाएं डाली, और तीसरी सेरेमनी में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात गुरुद्वारे में की। इट मीन्स उन्होंने मुस्लिम हिंदू और सिख
के अनुष्ठान संपन्न किए। लेकिन कोई भी ऐसा अनुष्ठान या ऐसा कोई भी सेरेमनी उन्होंने नहीं की जो कि उन दोनों के यहाँ प्रचलित हो। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने कोई भी वैद्य अनुष्ठान संपन्न किया ही नहीं। अर्थात डॉक्टर मुखर्जी दी विवाह के अभियोजन से साफ और साफ बच गए। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि दी विवाह का दी विवाह प्रूव होना बहुत आवश्यक है। जब तक सेकंड मैरिज प्रूव नहीं होगी तो बाइगेमी का अपराध बन ही नहीं पाएगा। सेक्शन 5 क्लोज टू साउंडनेस ऑफ माइंड। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 विवाह की शर्तें की उपधारा 2 चित्रकृति साउंडनेस ऑफ माइंड अर्थात मस्तिष्क की अवस्था के बारे में बताती है। सेक्शन 5 का सब क्लोज टू ऑफ द एक्ट 1955 वाज अमेंडेड बाय द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976। हिंदू मैरिज इज दैट नाइदर पार्टी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मेंटल डिसऑर्डर इनसैनिटी ऑफ और एपिलेप्सी। सेक्शन 5 का सब क्लोज टू सब क्लोज सी द वर्ड्स और एपिलेप्सी शैल बी ऑमिटेड बाय एक्ट नंबर 39 ऑफ 1999 एट द टाइम ऑफ मैरिज। अर्थात सेक्शन 5 की सेकेंड कंडीशन यह है कि विवाह के समय पक्षकार स्वस्थचित होने चाहिए, किसी प्रकार की मानसिक निरोगता से पीड़ित ना हो, और मानसिक निरोगता भी ऐसी जो कि वैद्य विवाह की कंसेंट देने में असमर्थ बनाती हो किसी व्यक्ति को। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत ये इसमें अमेंडमेंट करके जोड़ा गया कि विवाह के समय पक्षकार कोई भी पक्षकार अपनी मेंटल स्टेज के कारण या चित्त की अस्वस्थता के कारण वैद्य सम्मति देने में अगर समर्थ नहीं है या इस प्रकार मानसिक असंतुलन से पीड़ित है जिससे कि वह विवाह और संतान उत्पन्न करने के अयोग्य या फिर उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। 1976 के अमेंडमेंट द्वारा मानसिक अक्षमता में जड़ता और पागलपन भी इंक्लूड थे जो अब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ चित्त विकृति ही इसमें बताई गई है मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन के दौरे ना पड़ते हैं। अर्थात मैरिज जो है कि इसे एक एग्जांपल द्वारा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति मैरिज कर रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, मैरिज की कंसेंट देने में असमर्थ है, तो उस विवाह को विवाह यहाँ पे नहीं माना गया है। सेक्शन 5 के क्लोज 2 के आधार पे अगर कोई मैरिज हो आती है तो इसे सेक्शन 12 में वॉइडेबल अर्थात शून्य करनीय बताया गया है, क्योंकि साथ ही इसमें सब क्लोज 2 में कहा गया है कि इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वो विवाह और संतोत्पत्ति के अयोग्य। अर्थात मैरिज का उद्देश्य है कि वंश आगे बढ़े, पिता अपने पितृ ऋण से उऋण हो। जब विवाह का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा तो मैरिज का औचित्य क्या रह जाएगा। अर्थात जब यह स्थिति जो है वो मैरिज के अयोग्य बताती है, बट यह कंडीशन जो है किसी भी व्यक्ति की उस समय होनी चाहिए जबकि मैरिज हो रही है अर्थात एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर ऐसा है तो फिर वॉइडेबल, न्यायालय में इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। 1976 के अमेंडमेंट में मिर्गी वर्ड हटा दिया गया। इसे हम एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक केस है श्री अलका शर्मा वर्सेज अविनाश चंद्र 1991 मध्य प्रदेश। इस केस में कि अगर मान लीजिए
मेंटल कंडीशन के कारण या मेंटल कैपेसिटी के कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार मानसिक विकार से ग्रस्त है कि विवाह और संतानोत्पत्ति के अगर वो अयोग्य है तो क्या इसे विवाह समझा जाए? या सहयोग देने में या विवाह के निभाने में अगर कोई असमर्थ है तो क्या इसे मेंटल या मानसिक विकार से ग्रस्त समझा जाएगा? न्यायालय ने यहाँ पर वाइफ को कंसेंट या मानसिक विकार से ग्रस्त माना। मानसिक विकार से ग्रस्त होना मैरिज को वॉइडेबल बनाता है। कोई व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है, इस बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पक्षकार पे होगा जो ये कहता है कि दूसरा व्यक्ति, जो आरोप लगाता है कि ये व्यक्ति मानसिक विकार से ऐसा है। सेक्शन 5 क्लोज 3 एज ऑफ द पार्टीज आयु। Age for bride 18 years and for bridegroom must have attained the age of 21 years at the time of marriage. अर्थात सिंपल तरीके से हम इसे समझें या साधारण रूप से समझें, हर कोई जानता है कि आजकल चाइल्ड मैरिज बिलो 18 years या वधु की आयु जो है 18 years होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विवाह की न्यूनतम आयु हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में फिक्स कर दी गई है, बट इससे छोटी उम्र में अगर कोई विवाह होते हैं तो उनका क्या होगा? क्या वो विवाह वैध नहीं होंगे? सारी सेरेमनी संपन्न करके हिंदूज के बीच में मैरिज होती है तो मैरिज तो मैरिज है, वो तो वैध है, बट सेक्शन 18 जो है इसके संबंध में कुछ प्रोविजन देता है कि ऐसी मैरिज जो होंगी, सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सेक्शन 5 के क्लोज 3 अर्थात एज का उल्लंघन करके कोई मैरिज हो जाती है तो साधारण कारावास जो 15 दिन तक हो सकेगा और पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजमेंट है और इसके अलावा 1,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें लगाया गया है। बट विवाह तो संपन्न हुआ है इसलिए विवाह तो, क्योंकि अनुष्ठान उत्पन्न में संस्कार किए गए हैं, विवाह तो संस्कार में है इसलिए विवाह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत केवल और केवल ऐसे मैरिज पे सेक्शन 18 के अंतर्गत थोड़ा इसे रोकने की कोशिश की गई जुर्माने और सिंपल इम्प्रिजमेंट द्वारा। बट यह कहना कि बाल विवाह हिंदू विधि के अंतर्गत वॉइड है, अवॉइडेबल है, ये संभव नहीं है क्योंकि आज भी हमारे समाज में चाइल्ड मैरिजेज होती है। अर्थात अगर सेक्शन 7 के अंतर्गत सभी सेरेमनी संपन्न कर ली गई है तो मैरिज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 की सभी शर्तें पूर्ण करके मैरिज की जाती है तो विवाह सेक्शन 11 और 12 में, ना तो सेक्शन 11 में वॉइड है ना सेक्शन 12 में वॉइड है, अर्थात इस प्रकार आज हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 5 के सब क्लोजेज को जाना, हिंदू विवाह के लिए शर्तें, जिसमें हमने क्लोज 1 और 2 को और क्लोज 3 मोनोगेमी कंडीशन ऑफ ए माइंड कैपेसिटी ऑफ मेंटल कैपेसिटी एंड 3 एज
जिन्हें आज हमने पूरा किया। सेक्शन 5 का क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड फिफ्थ क्लॉज सपिंडा रिलेशनशिप, इन्हें हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। थैंक यू।